तो आज बनाएंगे खट्टी मीठी सी चटनी, जिसे आप सर्व कर सकते हो गर्मा गर्म समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, कचौड़ी के साथ, या फिर पूरी पराठा जो मन चाहे उसके साथ। तो चलो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दो। कढ़ाई में डालो ऑयल। ऑयल में डाल दीजिए 2 चम्मच 5 फोरन। 5 फोरन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, जब ये अच्छे से चटक जाए उसके बाद इसमें डालिए 1 सूखी लाल मिर्च और उसको भी अच्छे से सेक लीजिए, उसे भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए ऑयल में। और फिर उसके बाद डाल दीजिए 1/2 ग्लास पानी। ये बड़े ग्लास से मैंने पानी डाला था, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, 1 ग्लास भी डाल सकते हो अगर छोटे ग्लास से डाल रहे हो तो। फिर उसके बाद 250 ग्राम के लमसम गुड़ डाल दीजिए और गुड़ को अच्छे से इसमें मेल्ट होने दीजिए। देखिए ये मेल्ट हो गया है पानी के अंदर पूरा अच्छे से। अब इसे हमें थोड़ा सा थिक करना है, तो थिक करने के लिए हम इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे हैं या फिर कोई आरारोट नहीं डालेंगे हम। पहले इसमें डाल देते हैं इमली का रस, फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें टोमेटो सॉस। इमली के रस ज़रूर डालिएगा, अगर इमली का रस ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो खट्टापन लाने के लिए। इसमें खट्टी मीठी तीखी एकदम चटपटी चटनी बन के रेडी होती है। ये समोसों के साथ बहुत टेस्ट डिलीशियस लगती है। तो इस चटनी को थोड़ा सा थिक करने के लिए यहाँ पे टोमेटो सॉस का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आरारोट या फिर कोई केमिकल या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ। इसका टेस्ट भी काफ़ी डिलीशियस आता है इसके अंदर। तो डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मिक्स करते ही इसको अच्छा सा बॉयल आने देना है एकदम, मतलब ये देखिए ऐसा बॉयल आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1/4 सूख चुका है चटनी, और थोड़ी सी चटनी गाढ़ी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जब हम इसे गिरा रहे हैं तो देखिए एकदम से नहीं गिर जा रही है, ये टप टप करके गिर रही है। तो इसका मतलब ये अभी ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, इस चटनी को यहीं तक कुक करेंगे और इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और सर्व कर लेंगे अपने मनपसंद स्नैक्स के साथ। समोसों के साथ करो, कचौड़ी के साथ करो, या फिर पकौड़ी के साथ करो। बस इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय।